अभी चल रही है स्कूटनी, साक्षात्कार का इंतजार। आवेदकों को कुछ दिन और करनी पड़ेगी इंतजार। तो दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय धनबाद के द्वारा संविदा पर शिक्षकों की बहाली हेतु संविदा कर्मी के रूप में स्नातक प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए आवेदन निकला था, उसी से संबंधित यह न्यूज है। हिंदुस्तान पेपर का ये है, दिनांक 29/10/2022 की तिथि का है। तो इसका हेडिंग है, अभी चल रही है स्कूटनी, साक्षात्कार का है इंतजार। आवेदकों की स्कूटनी पूरी होने में 10 दिन और समय लगने की संभावना। स्थानीय विभाग ने अब तक साक्षात्कार की तिथि जारी नहीं की। धनबाद का ये न्यूज है। जिले के हाई स्कूल व प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों के 182 पदों के लिए लगभग 8200 आवेदन मिले हैं। 182 पद के लिए 8200 आवेदन मिले हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर को खत्म हो चुकी थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में गठित नियुक्ति सेल की ओर से आवेदनों की स्क्रूटनी की जा रही है। अब तक आवेदनों की स्क्रूटनी पूरी नहीं हो पाई है। इस विषय के लिए कितने दावेदार हैं और कब तक साक्षात्कार व व्यवहारिक कक्षा संबंधी प्रक्रिया शुरू होगी, इस मामले की जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अब तक आवेदनों की एंट्री रजिस्टर में पूरी नहीं हो पाई है। सभी आवेदकों की एंट्री में अभी और 10 दिन का समय लगने की संभावना है, उसके बाद विषयवार एंट्री होगी। आवेदकों की संख्या अधिक होने के कारण लिखित परीक्षा के आयोजन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में जिला स्तर पर गठित कमेटी की ओर से ही निर्णय लिया जाएगा। इस कारण आवेदकों को अभी इंतजार करना होगा। शिक्षकों के 182 पदों में हाई स्कूल के लिए 150 पद व प्लस टू स्कूलों के लिए 32 पद निर्धारित है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को ₹26,250 व स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को, जो संविदा शिक्षक होंगे, प्रत्येक महीने ₹27,500 मिलेगा। चयनित शिक्षकों की नियुक्ति जिले में 19 मॉडल हाई स्कूलों के लिए की जाएगी। वहीं डीओ बीएन राजवर सर ने कहा कि स्कूटनी समेत अन्य संबंधित प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। छठ के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के लिए कितना पैसा मिलेगा? ₹27,500 महीना। और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए ₹26,250। ये संविदा शिक्षक होंगे। तो 182 पद के लिए 8,200 आवेदन मिले हैं।